नमस्कार, मैं नीरज कौशिक और हिंदी विषय की ऑनलाइन शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की हिंदी के अंतरा पाठ्य पुस्तक का पाठ 12, जिसमें तीन अलग अलग शीर्षक से तीन पद्यांश हैं, हंसी की चोट, सपना, दरबार। इनके कवि हैं कवि देव। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पद्यांश है, हंसी की चोट, जान लेते हैं पहले इसका प्रतिपाद्य। विपर्लम श्रृंगार का ये अच्छा उदाहरण है हंसी की चोट। कृष्ण के मुंह फेर लेने से गोपियाँ हंसना ही भूल गई हैं, वे कृष्ण को खोज खोज कर हार गई हैं, अब तो वे कृष्ण के मिलने की आशा पर ही जीवित हैं। उनके शरीर के पंच तत्वों में से अब केवल आकाश तत्व ही शेष रह गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी व्याख्या के साथ। पहले इसका प्रसंग समझते हैं हंसी की चोट का। हंसी की चोट शीर्षक से जो पद्यांश है इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग एक में संकलित देव का पद हंसी की चोट से उद्धृत है। इस पद में कवि ने कृष्ण वियोग में पीड़ित गोपियों का वर्णन किया है। तो इसका पद्यांश है, सांसनी ही सो समीर गयो अरु, आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। इसका अर्थ है, इसकी व्याख्या है, कवि देव बताते हैं कि जिस दिन कृष्ण ने हंसकर मुंह फेर लिया, अपना मुख फेर लिया, उस दिन हरि ने गोपियों का दिल चुरा लिया, वे उस दिन से हंसना ही भूल गई। तो इस प्रकार जो आराम आराम से विरह की अग्नि में उनके पांच तत्वों में से तत्व समाप्त होने शुरू हो गए, उनके शरीर के पंच तत्वों का विघटन शुरू हो गया। तो ये कहते हैं, सांसनी ही सो समीर गयो अरु, आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। गोपियों की सांस से वायु तत्व समाप्त हो गया। देव तजी गयो गुण लय अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करी। इसमें कहा गया है कि हर समय आंसू बहने से सारा जल बह गया है, आंसू ही सब नीर गयो ढरी, अर्थात सारा जल जो है वो बह गया है तथा जल तत्व समाप्त हो गया है। तजी गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करी। आगे कहते अग्नि तत्व भी समाप्त हो गया है। तजी गयो गुण लय अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करी। शरीर की कमजोरी के कारण भूमि तत्व भी निकल गया है। आगे है, देव जिय मिली बेही की आस की, आसहु पास आकाश रहियो भरी। जा दिन तय मुख फेरी हरे हंसी, हेरी हियो जुलियो हरी जुहरी। इसका अर्थ है, कहा गया है, अब तो कृष्ण के मिलने की आशा पर केवल आकाश तत्व ही शेष रह गया है। कहने का अर्थ ये है, हंसी की चोट का अर्थ ये है कि जब श्री कृष्ण मुस्कुराकर गोपियों के पास से चले गए, तो उस हंसी की, उस मुस्कुराहट की ऐसी चोट उनके हृदय में समा गई कि विरह की अग्नि में पंच तत्वों में से उनके तत्वों का विघटन शुरू हो गया, जिसके कारण उनका वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और भूमि तत्व, एक एक कर ये चारों तत्व समाप्त हो गए। अब उनके पास केवल एक आकाश तत्व ही शेष है, वो भी केवल
श्री कृष्ण से मिलने की आशा के सहारे पर ही उनके पास आकाश तत्व शेष रहता है। तो ये अर्थ है हंसी की चोट का।